फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर फीड क्रिएशन शॉर्टकट्स के बारे में, और ये सब मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट केस स्टडीज में दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक एडवर्ड्स अकाउंट है, इस पर मेरे कुछ सेल्स वगैरह मैंने जनरेट करे हैं। ये मेरे सारे गूगल शॉपिंग कैंपेन है, और एक प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरा एक सेकेंड प्रोजेक्ट और एक लाइन का, जिसपे हमने अराउंड 158 रुपीज़ में मतलब 1500 अराउंड हमने कन्वर्जन अभी जनरेट करे हैं, और ये हमारा ROI आया है अराउंड 12,64,000 अराउंड, और 2 लाख अराउंड हमारा कॉस्टिंग जो है हमने इन्वेस्ट करा है शॉपिंग कैंपेन में। तो एक बेसिक कॉमन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज मैं कई क्लाइंट्स मेरे को मेल करते हैं और कई ट्रेनिंग्स भी मुझे मेल करते हैं रिगार्डिंग गूगल शॉपिंग ऑप्टिमाइजेशन। वो बोलते हैं सर कैसे इंप्रूव करें, हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, किन चीज़ों का बेसिक फोकस रखना होता है, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो मैंने कहा मैं एक लेक्चर आपके लिए इनिशियल लेवल के लिए बिल्ड कर दूं, ताकि जो कॉमन ऑप्टिमाइजेशन है एटलीस्ट सर आप वो तो खुद करें, और उससे आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप वो देखें कितना आपने बेटरमेंट अपने कैंपेन में करा है बाय क्रिएटिंग जो फीड्स वगैरह हैं ऑप्टिमाइज्ड वे में जो आपने काम करा है। तो क्या क्या कॉमन ऑप्टिमाइजेशन होता है पूरा स्टार्टिंग से आपको मैं बताऊंगा, और पूरा एक नया ट्यूटोरियल्स ही मैं इस पर पूरा भी क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि मर्चेंट सेंटर फीड क्रिएशन से लेकर फीड एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको फीड्स बनानी है, कहाँ कहाँ पे कीवर्ड इंडेक्सिंग करनी है, और शॉर्टकट्स जो मेजर होते हैं कैसे बिल्डअप करने हैं। जैसे मैंने कई लोगों को बोला मेल पे या कमेंट में कि भाई आप प्रोटोटाइप कॉलम अपना बना लीजिए, तो उन्होंने बोला सर ये तो काम ही नहीं करता, जब हम डिफॉल्ट शीट बनाते हैं तो ये कॉलम आता नहीं, तो आप इस कॉलम को खुद से बिल्डअप कर सकते हैं प्रोटोटाइप, और एक यूनिक नेम उसमें असाइन कर सकते हैं, ताकि आप जब सब डिविजन करते हैं अपने शॉपिंग कैंपेन में तो आपके लिए इजी हो। ये मैं थोड़ा अभी आपको शॉर्ट ब्रीफ बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे जिसको नहीं पता कि क्या टेक्निकल टर्म्स है कैसे होगा, तो मैं पूरा करके बता रहा हूँ, जस्ट पहले एक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें पता रहे आपको कि क्या इस लेक्चर में होने वाला है, और लाइव केस स्टडीज जैसे मेरे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये किस कॉमन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे है, और एक शॉपिंग कैंपेन अभी आपको शॉर्टकट वाइज कैसे बिल्डअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं आपका अभी करंट प्रोसेस क्या है, बट आप ये ट्राई करें और देखें कैसे रिजल्ट्स आते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम कंसल्टेशन से अपने इसी ट्रेंड को फॉलो करके शॉपिंग कैंपेन्स बना रहा हूँ, और मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं जो क्लाइंट के फीडबैक्स मुझे आए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले गूगल मर्चेंट सीट एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स है हमारे ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, कंडीशन, प्राइस, ये जितने भी हैं आप ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं ब्रीफिंग करता हूँ किस एट्रीब्यूट में क्या ध्यान रखना है, प्लीज़ इसको थोड़ा फोकस करके आप समझे, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो शायद आपको भी बेटरमेंट मिले, आप कर रहे नहीं कर रहे वो आप अपना क्रॉस चेक खुद कर लें इन चीज़ों को। सबसे पहले बात आती है आइटम आईडी की, पहले मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक एट्रीब्यूट्स ब्रीफिंग पूरी बता रहा हूँ, उसके बाद ये शीट कैसे ओपन होती है मैं स्टार्टिंग से क्रिएट करूंगा, हार्डली एक मिनट लगेगा, बट पहले एट्रीब्यूट समझ लीजिए क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, इतना तो आपको पता होगा कि फीड में क्रिएट करना होता है टैम्पलेट आता है उसको कैसे अपडेट करना है, तो टैम्पलेट कैसे अपडेट करना है वो आप मेन समझिए। आइटम आईडी की बात करता हूँ, सॉरी थोड़ा मैंने आपको अलग चीज़ें बता दिया, मैं आईडी पे आता हूँ सीधा पॉइंट पे। आईडी पे आने के बाद आपको कोई भी एक यूनिक आईडी यहाँ पे असाइन करना है, जैसे मेरे ट्रेनी ने करी हुई है OPPO F9, उसने प्रोडक्ट का नेम आगे लिख दिया, PID 1, PID 2, ऐसे उसने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आइटम आईडी ऐसे असाइन कर दी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आइटम आईडी आप ले रहे हैं ये आपका लेस देन 15 कैरेक्टर आप यूज़ करें, इसमें आप अवॉइड करें स्पेस, मतलब आप देख रहे होंगे अंडरस्कोर दिया हमने स्पेस को अवॉइड करने के लिए, और अल्फा न्यूमेरिक इसको यूज़ करें, जैसे वर्ड्स भी हों और नंबर्स भी हों, तो ये ज़्यादातर बेटर रिकमेंडेशंस में रहता है। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई सीनियर मेंटोर है, आप उससे भी ये चीज़ कंसल्ट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंस वाइज ही आपको बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊँगा, सिर्फ पेड मार्केटिंग का ही मुझे आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सपर्टाइज है, तो जो मेरा एक्सपर्टाइज है, जो मेरे बेटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आता है टाइटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल को जरा थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि टाइटल ही सारा रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट मर्चेंट का और शॉपिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस का। टाइटल की अगर मैं बात करूं, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट आपके पास आएगा अगर आप शीट क्रिएट कर रहे हैं, टाइटल आपका पहली बात तो जो मैं रिकमेंडेशन देता हूं ऑन एन एवरेज अराउंड 40 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए, 40 कैरेक्टर से ऊपर भी की अगर आपका चलेगा, लेकिन 40 कैरेक्टर तक में आप ट्राई करें, आप बिल्डअप करें अपना टाइटल। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फिर बोल रहा हूं मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, जैसे कवर एंड केस ये मेरे 3 वर्ड हुए, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ केस CASE तो ये मेरा 4 कैरेक्टर्स हुए, तो लेस देन 40 कैरेक्टर अगर आप यूज करते हैं, अराउंड भी बोल लीजिए 40 कैरेक्टर या थोड़ा बहुत 40 से आप गया चलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट,
कभी भी कोई टाइटल बिल्डअप करे, आपका कोई भी एक्स वाई जेड शॉपिंग प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है आपका उसका नेम प्री फ्रेज में दे, मतलब वो पहले नंबर पे फर्स्ट ऑर्डर में आपके प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट था वो था ओप्पो F9 Pro, जिसपे हम कवर एंड केस हमारा जो था वो थीम था शॉपिंग का, तो ओप्पो F9 Pro जो मेरा प्रोडक्ट था वो मैंने टाइटल में फर्स्ट ऑर्डर में प्री ऑर्डर में फर्स्ट स्टैंड में मैंने वो नेम ऐड करवाया। उसके बाद आपके जो मेजर सर्चेबल कीवर्ड्स हैं, आपने कीवर्ड प्लानर पे रिसर्च करा, गूगल पे देखा, तो जो कीवर्ड्स आपको लगता है कि मेरे यार ये कीवर्ड्स जो हैं ये जेनरिक हैं और इन पे सर्चेस बहुत ज़्यादा है, तो उन कीवर्ड्स को आप ट्राई करें, इंडेक्स करें अपने टाइटल में। मैंने भी इंडेक्सिंग करवाई है, मिरर शायद वो कवर था, फ़ोन कवर, तो मिरर हमने वर्ड यूज़ कर लिया और साथ में फ़ोन कवर एंड केस, क्योंकि ज़्यादातर सर्चेस कवर एंड केस पे थी तो हमने वो यूज़ करा है। इसी तरीके से हमने अलग टाइटल बनाया दूसरे प्रोडक्ट का, वो टैम्पर्ड था तो थोड़ा बहुत टैम्पर्ड लिख के कवर एंड केस हमने यूजली रोटेट कराए अलग अलग तरीके से इंडेक्सिंग करके कीवर्ड को, मतलब सेम कॉपी करके मत डालिएगा कि आप कह रहे हैं कि चलो मेरा मेन टाइटल यही है तो इसी प्रोडक्ट को मैं कॉपी करके सब में टाइटल डाल देता हूँ। टाइटल यूनिक भी होना चाहिए, कीवर्ड की इंडेक्सिंग भी होनी चाहिए और जो कीवर्ड आपका कॉमन है वो आपका अगर हर टाइटल में आ जाएगा चलेगा, लेकिन टाइटल यूनिक होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मेरे को मेल करते हैं कि सर हमने ये टाइटल्स बनाए, प्रूफ करिए सही है, और वो क्या करते हैं यही टाइटल कॉपी करके सब में डाल देते हैं, हल्का फुल्का चेंज होता है। बिल्कुल डुप्लीकेसी भी नहीं होनी चाहिए, माइनर चेंजेस भी अलाउड नहीं है, थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस करें, जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको मेरे ट्रेनी ने करा हुआ है, तो मैं जस्ट आपको प्रेजेंट करके चीज़ें दिखा रहा था। उसके बाद आगे मूव करते हैं, आई थिंक टाइटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक चीज़ और ऐड कर दूँ, सॉरी मैंने पहले बताया नहीं, टाइटल को गूगल ऑन प्रायोरिटी लेता है आपका। जैसे SEO आप लोग करते हैं ना मैक्सिमम लोग, तो SEO में क्या होता है, जो पेज का टाइटल होता है गूगल उस पर सबसे जल्दी पहले रैंक करवाता है आपका, है ना। तो ऐसे ही आपका टाइटल मर्चेंट में भी होता है, जो टाइटल आपका मेन है इस पर अगर उसको वर्ड्स मिलते हैं जो यूजर सर्च टर्म पे आ रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट पेज में आपकी शॉपिंग ऐड आती है, तो टाइटल्स को गूगल ऑन प्रायोरिटी लेता है। तो टाइटल्स में अगर कीवर्ड इंसर्ट रहेंगे विद आपके प्रोडक्ट के नेम के साथ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये मैं एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा कि आप बोले इसका है, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मैं सारे क्लाइंट्स का आपको बता नहीं सकता, कई क्लाइंट परमिशन देते हैं कहीं नहीं देते, बट मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मैं जब से लेकर अब तक शॉपिंग पे काम कर रहा हूँ मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूँ और अपने पेड ट्रेनिंग्स में भी बताता हूँ। ये तो इनिशियल लेवल बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है, और भी जो हम अदर ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं लेबल्स वाइज, आपका अदर जो चीज़ हम कर सकते हैं वो, उसमें भी हमारा टाइटल इसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो पहले मैं इनिशियल लेवल से आपको बता रहा हूँ, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो ये मेरा टाइटल का था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन। अभी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप चाहें तो अपना कीवर्ड इंडेक्स कर सकते हैं। कीवर्ड इंडेक्सिंग मतलब आपको अगर एक या दो कीवर्ड अपने आपको लगता है कि मैं ये दो कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और मुझे वो अपने कीवर्ड्स में, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है यहाँ पे, इसमें मुझे वो ऐड करने चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। बट ट्राई करें आप जो डिस्क्रिप्शन का जो मैटर है, जो कैरेक्टर लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग देख लें, एक या दो कीवर्ड ही इंडेक्स करें। वैसे तो मैं एक ही कीवर्ड इंडेक्स करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा थोड़ा एक्सीड करना चाह रहे हैं, अगर आपका टाइटल अगर आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है, टाइटल तो अलग है, डिस्क्रिप्शन अगर थोड़ा बड़ा है तो आप दो कीवर्ड तक इंडेक्स कर सकते हैं। अराउंड 500 कैरेक्टर्स तक आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, 500 कैरेक्टर तक आपका रिकमेंडेड रहता है, आप डाल दीजिए। उससे बड़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जितना कम डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करें एक आधा कीवर्ड ही उसमें इंडेक्स करें। अब इसमें कोई बोल्ड वोल्ड का कोई मैटर नहीं होता। कई लोग मुझे मेल कमेंट में डाल रहे थे कि सर यहाँ पे अगर कुछ बोल्ड कर दें अपने कीवर्ड में कोई अपना वर्ड तो क्या गूगल प्रायोरिटी देगा। यार इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, वैसे एक दो बार हमने ट्राई भी करा था तो कोई लॉजिक नहीं था उसका। तो बोल्ड अगर आप करके देखना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन हमने कभी यूज़ नहीं करा, ना ही आप किसी मेंटोर या आपके जिसके अंडर में काम कर रहे हैं सुपरवाइजर के सीनियर के, तो एक बार आप प्लीज़ कंसल्ट कर लें। बोल्ड का सच कोई इसमें लॉजिक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डॉग फाइल है आपका और ये मर्चेंट फीड है, ये आपका जो मेन मेन आपकी चीज़ें हैं, सेगमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हीं को रीड करता है, तो बोल्ड का कोई मैटर नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप करके देख लें। लिंक में आपको अपना लैंडिंग पेज देना है, जो भी वेबसाइट का आपका लैंडिंग पेज होगा, डिटेल पेज, उसको आपको देना है। जो प्रोडक्ट पेज भी आप कह सकते हैं वो कॉपी पेस्ट कर दें, थोड़ा मैंने हाइड कर रखा है कॉन्फिडेंशियल, ताकि आपको डोमेन ना पता चले, क्योंकि फिर यूजली आप लोग सर्च करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। उसके बाद कंडीशन न्यू ही होगा, आपने अगर नया प्रोडक्ट है तो न्यू रखें, अगर ओल्ड है तो रिफर्निश्ड, और आपका जो भी ओल्ड वगैरह है आप वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद प्राइस की बात आई, तो प्राइस आप दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो गूगल का लेटेस्ट अपडेट है उसमें गूगल ने कहा है कि प्राइस आप अगर ऐसे भी डाल रहे हैं तो ठीक है,
बट गूगल कहता है कि अब जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस आपको ऐसे ऐड करना है। अब आप चाहे ओवरसीज करेंसी का करें, चाहे आप INR में कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री करेंसी में, आपको ऐसे अब आपको अपने एट्रीब्यूट्स बिल्डअप करने हैं। INR आपका जो है पहले आपका न्यूमेरिक नंबर होगा जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, देन जस्टिफाई करेंगे करेंसी इन वर्ड्स INR, USD है तो USD, तो आपको आपको नंबर के बाद आपको वर्ड वो अपना करेंसी आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो ये अब लेटेस्ट अपडेट है, ऐसे भी अप्रूव हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो अपडेट आया मैंने कहा आपको बता दूं, और मैं अपने पेड ट्रेनिंग्स में भी मैंने वो अपडेट कर दिया कि अब आपका ऐसा आपका INR ऐसा आपको यूज करना है ऑर्डर। तो मैं ये ऑर्डर जस्ट आपको बताने के लिए करा है, इसको सबको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं ट्रेनिंग का ऑडिट कर रहा था तो मैंने कहा आपको एक लेक्चर भी इस पर बना दूं और आपको बता दूं। इसके बाद अवेलेबिलिटी पता होगा इन स्टॉक है, ऐसे ही लिखना है, और इसमें कोई हाइफन वगैरह बीच में मत ऐड करिएगा। अब इसमें स्मॉल में लिखें, कैपिटल लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, बस हाइफन थोड़ा अवॉइड करिएगा। और कॉन्टिन्यूस मैटर में नहीं लिखना है, स्पेस के साथ ही लिखना है, जैसे इन स्टॉक है तो इन स्पेस स्टॉक, कई लोग साथ में लिख देते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, वार्निंग्स आ जाती हैं, कई बार एरर्स भी आ जाता है, तो जो ऑर्डर जैसा है उसको वैसे लिखना है। इमेज लिंक पता होगा, कॉपी इमेज URL करके यहाँ पे डाल दीजिए, अपना इमेज पता होगा। अगला आता है GTIN, ये आपको अपडेट करना है। देखिए मेरे ट्रेनी ने भी अपडेट करा है, तो जो GTIN है आप एक बार गूगल सपोर्ट से बात कर लें कि आपके प्रोडक्ट का GTIN क्या है, या अपने क्लाइंट से एक बार अप्रोच कर लें कि वो आपको GTIN, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको बताए। नहीं पता, क्लाइंट को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है फाइंड करने का। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ वैसे कैसे होता है, लेकिन चलिए मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्राइवेट मॉड्यूल्स में भी बनाई हुई है चीज़ें। तो बट ये कि अगर एक बार आप गूगल सपोर्ट बात कर लें, गूगल का फ्री सपोर्ट होता है, तो जो भी प्रोडक्ट टाइप हो उसका वो GTIN आपको बता देंगे कैसे फाइंड करना है, या आपको नंबर दे देंगे, आप उसे अपडेट कर सकते हैं। वो एक ही नंबर होता है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग मिलेगा, एक ही नंबर है, देखिए आपके सामने विजिबल है। MPN तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर हो गया, ये तो सिर्फ क्लाइंट ही दे सकता है, और बहुत टफ होता है हर एक प्रोडक्ट का अपडेट करना। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको फिलहाल यूजली अवॉइड कीजिए MPN को। दोनों में से एक भी रहेगा चलेगा, GTIN अगर आप अपडेट कर देते हैं MPN की जरूरत नहीं है, ये वैसे ऑप्शनल है आपका, ठीक है। मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ट्रेनिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांड नेम आपका ओप्पो F9 है, चलेगा। कई लोग साइट का नाम दे देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, बेटर है जो प्रोडक्ट का आपका नेचर है, जो प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिसके फीड्स बना रहे हैं शॉपिंग की, तो उसी का ब्रांड नेम देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट टाइप का, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, और हमेशा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मुझे मिले, क्लाइंट को कभी कोई ट्रबल नहीं आया। कंसल्टेशन भी दी है तो भी मैंने उसमें टाइप ही रिकमेंड करा, आपको झूठ नहीं बोलूंगा। प्राइवेट ट्रेनिंग्स में मैंने टाइप पे सबसे ज़्यादा फोकस करके अपने प्राइवेट लेक्चर्स बनाए, तो टाइप को आपको सबसे ऑन प्रायोरिटी यूज़ करना है। अभी टाइप क्या है, प्रोडक्ट टाइप, ये कॉलम आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये नेम एज इट इज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट टाइप का। अब इसमें कुछ भी एक अपना नेम दे दीजिए, जैसे ओप्पो F9 Pro मेरा प्रोडक्ट था, _ राहुल ट्रेनी ने मेरा नाम डाल दिया राहुल, ताकि मैं नॉलेज में रखूँ। अब आप बोलेंगे इसको बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, फ्रेंड जब मैं शॉपिंग कैंपेन बनाऊंगा ना, भी जैसे मेरा ये कैंपेन है शॉपिंग का, यहाँ पे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट सब डिवाइड बताऊंगा, जिसमें बहुत इजीली आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे लैक्स में आपके प्रोडक्ट हो, चाहे करोड़ में हो आपके प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपने टाइप असाइन कर रखा है ना ऑटोमेटिक फीड अपलोड में भी या मैनुअल में भी, तो विद इन सेकेंड्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट थे। अब आइटम आईडी के करके चूज करना कि मेरे 100 प्रोडक्ट हैं उनकी आइटम आईडी में फाइंड करूं जो ये मेरी आइटम आईडीज हैं, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आइटम आईडीज हमें याद नहीं रहती, लेकिन टाइप आप आइडेंटिफाई इजिली कर लेंगे अगर आपने स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है तो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ भी एक नाम अपना दे दें, आप अपना नेम दे दें या प्रोडक्ट का नाम दे दें, जो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाए। तो ट्रेनी ने ओप्पो F9 Pro _ राहुल यहाँ पे यूज कर लिया। कलर एट्रीब्यूट आपकी मर्जी, अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए, बट मैं ये रिकमेंडेशंस देता हूँ इनिशियल लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं। वो ट्रेनी ने तो मेरा प्राइवेट लेक्चर देखा और उसने जितना भी एग्जीक्यूशन कर सकता था उसने डाल दिया इसमें, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कलर एट्रीब्यूट आप ना डालें, क्योंकि कलर से क्या होता है आपकी जो टारगेटिंग होती है बहुत नैरो हो जाती है। नैरो मीन्स जब कोई इस प्रोडक्ट पे ब्लैक पे रिलेटेड ही सर्च करेगा, ब्लैक के साथ ब्लैक ओप्पो F9 Pro फोन कवर, तो मेरा एड ऑन प्रायोरिटी आएगा। अगर कलर नहीं होता तो किसी भी कलर के साथ सर्च कर ले, मेरी एड आ जाती। तो जितना आप ये एट्रीब्यूट्स बढ़ाते हैं कलर वगैरह, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बेनिफिशियल है, अभी आप समझेंगे, लेकिन कलर वाला जो एट्रीब्यूट है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये है कि चलो अगर वो अपनी स्किल्स दिखा रहा है कि इतना वो यूज़ कर सकता है तो बेटर है, बट आप लोग अगर इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं और कलर आपको लगता है कि इतना मतलब ऐसा नहीं मैंडेटरी कि आपको यूज़ ही करना है, तो आप इस कॉलम को अवॉइड कर सकते हैं। वो तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आई थिंक आपको पता होगा कैसे फाइंड करना है, बट अगर कई लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें एक चीज़ का और है,
या तो नंबर देंगे, अभी गूगल ने अपडेट करा है वो भी बता देता हूँ, चलो मैं आपको साथ साथ, ये तो गूगल शॉपिंग का एक ऐड था, मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ गूगल शॉपिंग। चलिए टैक्सोनॉमी मैंने अपडेट करा, यहाँ पे डेफिनेशंस आ गई, प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी आ गया, चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल एफ करके कुछ भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, शायद इसमें नंबर अपडेट नहीं है, रुकिए मैंने शायद ये गलत ओपन कर दिया, मैं आपको दूसरी फीड दिखाता हूँ, ये वाला, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जाइए गूगल सपोर्ट के, ये थोड़ा अलग है, इसने डायरेक्ट ओपन कर दिया, मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ क्योंकि कई लोग अभी मिस्टेक कर रहे हैं तो मुझे लगा साथ साथ क्लियर करना ज़रूरी है। प्लेन टेक्स्ट पर जाना है आपको, ये देखिए ये मेन अपडेटेड फीड है आपका, इसमें क्या है देखिए नंबर भी आ रहे हैं, अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ ये देखिए यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे हैं, देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पे कैटेगरीज भी आ रही हैं पूरी। तो अब कई लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कॉपी कर रहे हैं पूरा, ऐसे कॉपी करके और यहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं आपकी फीड्स में। यहाँ पे अब वो हो क्या रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है आपका, ये देखिए ऐसे आ रहा है वो आपका। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये फीड ऐसे में आपको एरर दे देगी, या तो आपको नंबर अपडेट करना है, या तो इसके साथ आप डालिए, इसको हटा दीजिए, बात एक ही है, या फिर आपको सिर्फ कैटेगरी के साथ डालना है, दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। तो आपको गूगल ने ये ऑप्शन दिया है, या तो आप नंबर ले लो, अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो नंबर ले लो, नंबर वाइज टारगेटिंग होगी, अगर नंबर नहीं ले रहा है, अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं गूगल के, नहीं तो फिर आप कैटेगरी वाइज ले लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गलत मत करना, कई लोग दोनों अपडेट कर दे रहे हैं तो ऑडिट्स में पता चल रहा है कि भाई शीट में एरर है, फीड अप्रूव नहीं होगी आपका, क्योंकि एक आध दिन तो लगी थी फीड अप्रूव होने में, इस चीज़ का ध्यान देना। मैंने कहा बता दूं आपको, ये अभी न्यू अपडेट है, तो प्लेन टेक्स्ट ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अभी टैक्सोनॉमी का भी अपडेट हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, बैक करता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, तो ये भाई आप अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है अपने हिसाब से ले लेना, इसमें कोई खास मैं ऐसा कोई अलग लॉजिक नहीं बताऊंगा कि अलग ऑप्टिमाइजेशन है, ये नॉर्मल है। अब गूगल प्रायोरिटी किन चीज़ों को देता है, पहले ये समझना है आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। गूगल तीन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी देता है मर्चेंट फीड में, मैं अपने एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, बाकी आप जो आपका सीनियर हो, जो आपका मेंटोर है, जिसको आप फॉलो करते हैं पेड में, एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक करके कंसल्ट जरूर कर लेना। ठीक है, वो क्या कहते हैं आपको, सबसे मेन होता है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, भाई इस बेसिस पे तो गूगल आपका ऐड दिखाएगा ही, क्योंकि कोई भी इन कैटेगरी से रिलेटेड सर्च करेगा तो आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गूगल प्रोडक्ट की, सेकेंड प्रायोरिटी होती है आपके टाइटल की, जो आपका टाइटल है उस पर आपका गूगल फोकस ज़्यादा रखता है कि भाई टाइटल आपका वर्ड्स अगर मैक्सिमम मैच हो रहे हैं सर्च टर्म के साथ टाइटल के, तो गूगल एडवर्टाइजमेंट शो करता है। और थर्ड प्रायोरिटी गूगल देता है आपका आपके ब्रांड नेम को, अगर आपने ब्रांड नेम ओप्पो F9 डाला है तो आप गूगल पे कोई ओप्पो F9 से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा, ओप्पो पे कुछ भी सर्च करेगा, काइंड ऑफ आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है ना, वैसे काम करेगा कि भाई ओप्पो पे कुछ भी सर्च कर लिया, ओप्पो F1, ओप्पो F7, कुछ भी F11, F15, तो आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो गूगल ब्रांड पे भी आपकी जो है प्रायोरिटी रखता है। तो ब्रांड में तभी मैंने आपको बोला था, मैंने पहले नहीं बताया, मैंने कहा बाद में बताऊंगा, ब्रांड में आपको हमेशा वेबसाइट का नाम नहीं देना, कई लोगों को मैंने देखा है वेबसाइट का नाम देते, अब वो छोड़ दीजिए, पहले का ट्रेंड था, करंट ट्रेंड ये है आपको अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। अगर बनारसी साड़ी है तो बनारसी साड़ी लिखना है, कॉटन सिल्क साड़ी है तो कॉटन सिल्क साड़ी लिखना है, जो ब्रांड का नेम है वो आपको डालना है, वेबसाइट का नाम नहीं डालना, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब कई लोग बोलते हैं जब फीड आती है हमारी, जैसे मैं यहाँ पे शॉपिंग ऐड देखता हूँ अपना, कुछ भी सर्च करता हूँ बैक करके शॉपिंग ऐड देखता हूँ, तो ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रांड नेम कैसे आते हैं, तो ये तो स्टोर नेम है, स्टोर नेम जो आपने स्टोर जब बनाया होगा उसका जो नाम दिया होगा वो आता है, ये वो नहीं है जो आपका ब्रांड नेम आ रहा है। कई लोग बोलते हैं ये हमारी जो फीड्स हैं ये ब्रांड नेम यहाँ से उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, वो स्टोर नेम है, आप गूगल सपोर्ट में भी एक बार कंसल्ट कर लें, वो स्टोर का जो नाम होगा वही आएगा, वो सबका सेम आएगा, आप यहाँ पे ब्रांड नेम बदल दो, ऐसा कभी नहीं कि आपका अलग अलग आएगा, वो स्टोर नेम है। स्टोर नेम मतलब जो मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं स्टार्टिंग में स्टोर का नेम देते हैं ना, www.abc या जो भी आपका डोमेन नेम है, वो स्टोर नेम पिक करता है वहाँ पे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछते थे तो मैंने ये डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर करा है। तो यहाँ तक तो था फीड का क्रिएशन, अब मैं बताता हूँ ये फीड में पहुँचा कहाँ तक, कैसे पहुंचा और उसको फेचनाओ वगैरह कैसे कराना है, एक मिनट का प्रोसेस है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको शॉपिंग कैंपेन में इसका एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि मैंने कैसे शॉर्टकट सब डिवाइड करके बनाया है। ठीक है, और फिर कुछ लाइव केस स्टडीज आपको ब्रीफ करता हूँ जो मैंने इन्हीं लॉजिक्स पर बना रखी हैं, अलग अलग बिजनेस है लेकिन लॉजिक यही है और मेरे को बिजनेस आ रहा है। ठीक है, चलिए मर्चेंट में आता हूँ, प्लस प्रोडक्ट में जाके फीड्स में जाके प्लस पे क्लिक करना है, आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है, पता होगा आपको,
प्लस पे क्लिक करना है, एक फटाफट कुछ भी डमी नेम देके शीट तक पहुँचते हैं आपको समझाने के लिए। कंट्री ऑफ सेल मेरा इंडिया है, लैंग्वेज मैं इंग्लिश ले रहा हूँ। डिस्प्ले शॉपिंग दोनों को चेकबॉक्स पर टिक रखना है, डिस्प्ले कि अगर आपको अपने जो शॉपिंग फीड्स हैं उनको फर्दर कभी फ्यूचर में डिस्प्ले रीमार्केटिंग अगर आपको करना हो, जो कि डायनामिक रीमार्केटिंग हुआ डिस्प्ले का, या डिस्प्ले में अगर आपको फ्यूचर में कभी अगर अपनी डायनामिक एड्स चलानी है न्यू विजिटर्स के लिए, तो ये चेकबॉक्स टिक होना जरूरी है, क्योंकि मर्चेंट सेंटर से इन्फॉर्मेशन पुल करेगा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये रखना जरूरी है। कई लोग मुझे बोल रहे थे मेल पे, सर सिर्फ शॉपिंग टिक कराए डिस्प्ले अनचेक कर दिया, ऐसे मत करिए, फर्दर फीचर्स आपको एलोकेट नहीं होंगे। शॉपिंग एड्स एंड सर्फेसिस अक्रॉस गूगल, ये सर्फेसिस अक्रॉस गूगल अभी रिसेंटली गूगल ने क्यों ऐड करा आप उसका भी लॉजिक समझना। शॉपिंग एड्स दो तरीके के होते हैं, एक आपकी कुछ भी सर्च करा ये प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स हो गए जिन्हें हम PLA भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपका, अब मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट कई सारे लोगों को शायद पता होगा, फिर भी इंडिया में गूगल शॉपिंग स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। गूगल शॉपिंग मतलब जैसे अदर कंट्रीज में पहले था गूगल शॉपिंग, अब आप इंडिया में भी कुछ भी सर्च करेंगे गूगल शॉपिंग में तो आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे और वहां पे भी अब आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल रन करेगा। तो इसलिए गूगल ने आपका, जब आप मर्चेंट फीड्स बनाते हैं तो डिस्प्ले और शॉपिंग एड्स एंड सर्फेसिस अक्रॉस गूगल जितने भी आपके प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ जहाँ पे एक्सटेंशंस हैं आपके शॉपिंग के, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन टिक बॉक्स के कोई चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा, आप दोनों को टिक करें, एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, कोई बुरा नहीं है। कंटिन्यू, सिंपल। फीड का नेम दे देता हूँ, चलो मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर राहुल अंडरस्कोर मे, कुछ भी नेम दे दिया मैंने आप लोगों को बताने के लिए। गूगल शीट ही लेना है पहले, प्राइमरी लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल शीट, इसी को लेके करिए आप। मैं पहले इनिशियल लेवल पे, अगर कोई खुद से बना रहा है अपना तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ। जनरेट अ गूगल न्यू स्प्रेडशीट फॉर मी, ये आप आगे करके कंटिन्यू करेंगे। ये एक डॉक परमिशन है, आपका परमिशन ले रहा है ये, जिसमें कि आपका जो भी आप काम करेंगे वो आपकी ईमेल आईडी से ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ऑटो सेवर होता है, कोई कंट्रोल एस करके बार बार फीड को अपडेट नहीं करना, जो भी चेंज करके छोड़ेंगे वो ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी फीड बन गई मेरी, आप क्या करना है, सबसे फुटर में जो भी नया बनाते हैं सबसे नीचे आ जाती है फीड, नीचे आ जाइए, ये मेरी फीड है। आप डायरेक्ट शीट ओपन करना चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप अंदर जाना चाह रहे हैं तो फीड के अंदर आके भी आप चेंजेस कर सकते हैं इनसाइड, तो चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इनसाइड पेज पे आ गया, यहाँ पे भी ओपन एक्सेस आता है मोर ऑप्शन में, तो यहाँ से भी मैं अपना जो है फीड बिल्डअप कर सकता हूँ। तो अब आपने करना क्या है, फेचना हो तो जब आप डेटा डाल देंगे तब करना होता है फेच, ताकि गूगल प्रोसेसिंग मिले और आपको बताया अप्रूव हुआ डिसअप्रूव हुआ। मैंने रीड मोर ऑप्शन पर क्लिक करा, उसके बगल में एक्सेस गूगल शीट आया, क्लिक करा तो ये मेरी जो टैम्पलेट स्प्रेडशीट है गूगल ने ऑटोमेटिकली बना दी। अभी मैं यही पहले ब्रीफिंग कर रहा था, मैंने पहले वो समझा दिया, अब आपको काम आता है, आप खुद से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने एट्रीब्यूट डिफॉल्ट आए हैं, इतने तो थे ही जो मैंने बताए थे आपको, ब्रांड, इसमें गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी तक आया है। तो मैंने इसमें दो एट्रीब्यूट ज़्यादा बनाए थे अपनी शीट में, एक मैंने बनाया था प्रोडक्ट टाइप और एक मैंने बनाया था अपना कलर। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आप प्रोडक्ट टाइप तो आपको बनाना ही बनाना है तो मैंडेटरी है, अभी मैं आगे समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे इसका इंपॉर्टेंस। तो आपको कलर वगैरह देखना है आपकी मर्जी, तो ये मेरे को एट्रीब्यूट एक आपको नया बनाना है प्रोडक्ट टाइप, तो यहाँ पे आप ऐसे कॉलम में लिख के प्रोडक्ट स्पेस देके TYPE टाइप लिख दें, ठीक है, स्मॉल में लिख दें, कैपिटल लिख दें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको TYPE, ठीक है। अब जो नेम देना है आप इसको बना सकते हैं, जब भी फीड आपकी बन जाए, जैसे मैंने ये बनाया था पूरा डेटा बन जाए, तो उसके बाद यहाँ पे आके इसको फेच नाउ कर दीजिएगा। फेच नाउ करने के बाद ये आपको कुछ डेटा इस तरीके से देगा, चलो एक दिखा देते हैं आपको, ये लीजिए किसी पहले का बनाया हुआ तो उसको दिखा देते हैं फेच नाउ का, जस्ट आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट में समझें, नहीं तो वीडियो कॉन्टेंट बहुत लंबा हो जाता है और आपके लिए भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब आप फेच कराएंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ पे आइटम आएंगे, चीज़ का ध्यान रखना 15 आइटम काउंटेड, मेरे 15 प्रोडक्ट्स थे तो 15 काउंटेड में आए, 0 आइटम्स विद इशू, ये इशूज नहीं होने चाहिए, अगर रेड में आया एरर तो वो तो फिर डिसअप्रूव ही हो जाएगी। वार्निंग्स आए तो आपको ठीक करना पड़ेगा, उसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो भी वार्निंग्स है आपको ठीक करना पड़ेगा। ये ग्रीन टिक तो सब में आता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना 0 आइटम विद इशूज, अगर इशूज फाइंड हुए तो भैया आप जो भी एडवर्ड्स अकाउंट में कर रहे हैं पूरा 100% एफर्ट नहीं लगेगा, पहले इशूज को रिजॉल्व करो, वार्निंग्स को रिजॉल्व करो, एरर्स तो डिसअप्रूव ही मार देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतनी फील्ड डिसअप्रूव हो गई, इतने में वार्निंग है, वार्निंग वाली अप्रूव हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना इश्यूज नहीं आने चाहिए, गूगल सपोर्ट से कंसल्ट करो या आपको जो जैसे मैंने बताया जितना जितना कैरेक्टर और जैसे जैसे बनाना है उन चीज़ों का ध्यान रखो। एक चीज़ और, कई लोग बोलते हैं मर्चेंट में कि हम ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, सैमसंग ओप्पो एप्पल वगैरह,
बिल्कुल कर सकते हैं, मर्चेंट में ब्रांड नेम वॉयलेशन बिल्कुल नहीं है, बस यही है कि आप ब्रांड नेम जो आपके प्रोडक्ट का है आप बिल्कुल एड ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ओप्पो, वीवो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चला सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया। बस फेच नाउ करना है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, फेच नाउ करके यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। ये मैंने दूसरी फीड कोई कर दी नोट 9 की, बट चलो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये फीड यहाँ पे ऐसा आएगा, प्रोसेस अभी हो रहा है, प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है अभी, तो प्रोसेसिंग लेने में थोड़ा आजकल टाइम ले रहा है, और जैसे ही प्रोसेसिंग होगा नीचे फिर आपको वो काउंट बता देगा, एरर आए, वार्निंग आए या जीरो इश्यूज है। तो अभी देख लेते हैं एक बार कितना टाइम लेता है। अब मेन काम हमारा अब शुरू होगा, अब हम कैंपेन में आएंगे अपना, और जो मैंने प्रोडक्ट टाइप आपको बताया था वो कैसे सब डिवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो एक आइडिया दे देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक कैंपेन बना रखा है। तो जैसे मैंने वीवो 15 प्रो का कैंपेन है, मैं किसी भी एक शॉपिंग कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड ग्रुप तो आप बना ही लेते होंगे, ऐड ग्रुप पे क्लिक करके पहले थोड़ा शॉर्ट दिखा देता हूँ ताकि जिनको मेजर मेजर काम समझना है वो काम समझ जाए, तो उनको थोड़ा एक आइडिया आ जाए। फिलहाल फेच नाउ हो गया होगा, नहीं अभी नहीं हुआ, प्रोसेसिंग हो रहा है, लोडिंग चल रहा है अभी। ये हो गया 15 आइटम, नो इश्यूज फाउंड। तो चलो इसको छोड़ देते, अब हम प्रोटोटाइप पे आते हैं। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, पहले समझ लें, मैं शॉपिंग कैंपेन में आया, शॉपिंग कैंपेन में आने के बाद मैं कैंपेन पे गया, यहाँ पे मेरे शॉपिंग के जो कैंपेन है मैं कोई भी कैंपेन पे क्लिक करा मैंने, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैंने ऐड ग्रुप पे क्लिक करा, ऐड ग्रुप तो बना लेते होंगे, मैं बाकी आपको बता दूंगा अगर नहीं आता। पहले मैं सीधा सब डिवीजन सिखा देता हूँ। ये ट्रेनी विनय ने मेरा बनाया था। अब इसमें क्या करना है, आपके पास आएगा डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स, मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। एडिट पे जाना है, देख रहे हैं प्रोडक्ट टाइप सब डिवीजन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आइटम ब्रांड, तो कई लोग आइटम आईडी ब्रांड पे बहुत करते हैं, मैं स्टार्टिंग से रिकमेंड करता हूँ प्रोडक्ट टाइप पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो आपने प्रोडक्ट टाइप कॉलम असाइन करा होगा वो यहाँ पे एज इट इज लिखा आ जाएगा। जैसे ट्रेनिंग ने बनाया था तो उसने वीवो अंडरस्कोर V15 अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर विनय वो यहाँ पे लिखा था, जो ये फीड मैंने बनाई थी, देख रहे हैं जैसे मेरे और ट्रेनिंग बना रहे हैं। तो यहाँ से वो फाइंड आउट करना ईजी हो गया कि मेरे कितने प्रोडक्ट थे, 9 प्रोडक्ट थे, 1600 के आसपास क्लिक आए, 19 कन्वर्जन आए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आकाश ने बनाया है ट्रेनिंग ने, ये देव ने बनाया है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग ने जो मेरे साथ काम सीख रहे हैं ऑनलाइन मॉड्यूल्स या क्लास ट्रेनिंग में, उन लोगों ने ये काम कर रखा है। तो ये सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे नेम आए, जैसे ओप्पो F9 प्रो राहुल आ गया, तो आपको क्या करना है, मैं देख लेता हूँ ओप्पो F9 प्रो राहुल आ रहा है, पहले का बनाया हुआ है ट्रेनिंग, अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी अपडेट नहीं हुआ, ओप्पो F9 प्रो राहुल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ऑडिट ही कर रहा हूँ, शायद 24 to 48 आवर्स लेगा अपडेट होने में। तो आपने उसको टिक कर देना है, राइट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आपने कंटिन्यू टू एडिट बिट्स कर देना है, आपने बिट सेट करके, ऐसा मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू टू एडिट बिट्स, तो बिट सेट करके आपको सेव कर देना है उसको, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। एवरीथिंग एल्स आपको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि गूगल क्या करता है, आपका जितने भी अदर मर्चेंट अकाउंट में जितने भी अदर फीड्स हैं उन सबको भी चला देगा, आपका जितने अदर फीड्स है ना उन सारे प्रोडक्ट्स को भी लेके आपका एडवर्टाइजमेंट चला देगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एवरीथिंग एल्स एक्सक्लूड रखना है, इसका मतलब है जितने भी बचे हुए अदर प्रोडक्ट्स हैं उन सबको एक्सक्लूड करना है, और यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की जो बिड है उसको आप यहाँ से एडिट करके सभी प्रोडक्ट के लिए एक हो जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअली 1x1 लगाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो आपने सब डिवाइड करा है इसके अंदर आप चाहते हैं कि आप कोई एक या दो प्रोडक्ट की ऐड दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने मर्चेंट में ये मैंने फीड बनाई थी, अभी यहाँ पे मेरे 5 प्रोडक्ट्स थे, टोटल 5 थे। अब मैं चाहता हूँ कोई मेन प्रोडक्ट इसको या इसको ही दिखाना चाह रहा हूँ, सबको नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं सब डिवाइड और फर्दर कैसे करूँगा वो देख लीजिए। विनय 15 प्रो वाला है, इसमें प्लस आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप तो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड था, आइटम आईडी में जाना है, तो जितने भी आइटम आईडीज होंगी वो मेरे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे ये और ये वाला चलाना है, तो मैंने दो सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही मैं इनको सेव करूँगा, कंटिन्यू टू एडिट बिड, चलो कर देता हूँ। यहाँ पे बिड अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं, चलो 2 रुपीज़ 80 पैसा, अलग अलग है, आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग देना चाह रहे हैं, एक का सेम रखता हूँ, सेव, देखते हैं। तो ये देखिए उसने क्या करा, अब यहाँ पे जो एवरीथिंग एल्स है इसको आप यहाँ से एवरीथिंग एल्स को यहाँ से एडिट करके एक्सक्लूड कर दें। एवरीथिंग एल्स मतलब जो बचे हुए हैं उनको नहीं चलाना, अब आपने सिलेक्टेड दो पे ही ऐड दिखेगा, मतलब अब जब आपकी ऐड चलेगी तो सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट पे ही आपका ऐड वो शो करेगा। बाकी मैंने ऑल प्रोडक्ट्स का भी एक्सक्लूड कर दिया, और जो ये वाला ऑप्शन था V15 प्रो का एवरीथिंग एल्स, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। तो अब वो मेरे V15 प्रो में सिर्फ
दो प्रोडक्ट दिखाएगा जो मैंने अभी सब डिवाइड करे हैं। तो इस तरीके से आप सब डिविजन करके अपने लिमिटेड प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिर बैक टू नॉर्मल चलाना है तो जो आपने सब डिवाइड जहाँ से करा था उसी पे दोबारा जाना है ऑप्शन पे, एडिट पे, और यहाँ से उसको क्लोज कर देना है ताकि वो आपका डिफॉल्ट सारे ले ले जो भी थे और उसको सेव कर देना है। तो क्या करेगा, आपके जो एवरीथिंग एल्स वाले हैं, आई थिंक ये एक्सक्लूड हो गया, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले एक्सक्लूड कर दिया था, 2 rupees 80 paisa बिट एंड सेव। तो अब ये मेरे जो मेरा सब डिवाइड मैंने करा है प्रोडक्ट टाइप वाइज उसी को टारगेट करेगा, उसके अंदर जितने ही प्रोडक्ट है सबको चलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर भी कोई लिमिटेड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चलाना है तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एवरीथिंग एल्स तो आप जहां देखें ना फ्रेंड उसको एक्सक्लूड करना ही करना है, उसका मतलब है रिमेनिंग वन आपकी टारगेटिंग के अपार्ट। तो जो टारगेटिंग लगा रहे उन्हीं को तो चलाना है, बाकियों को क्यों चलाएंगे, नहीं तो उनके लिए अलग से कैंपेन नहीं बनाएंगे। तो एवरीथिंग एल्स एक्सक्लूड कर दो, तो जो आपने मेन टारगेटिंग में दिए उन्हीं को वो चलाएगा। तो ये इस लेक्चर में ऐसे ही आपको पूरे फीड्स बनाने, इसी बेसिस पे मैं सारे फीड्स अपने जैसे सारी का कैंपेन है इन्हीं लॉजिक्स पे लेता हूँ और अपना चलाता हूँ, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। CTR तो एक सेकेंडरी कंसर्न है लेकिन मेन हमारा फोकस कन्वर्जन पे होता है, जितना ज़्यादा CTR रहेगा कन्वर्जन बढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन मेरा लॉजिक यही रहता है, इससे मेरा रेवेन्यू भी बेटर आता है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बेटर आते हैं। मेजर जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो मैंने आपको टाइटल वाइज बताई, बाकी इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको शॉपिंग कैंपेन बनाना आता होगा और आप शॉपिंग कैंपेन ईजिली अपना खुद से बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं आपको ये मैंने पूरा आपको लेक्चर बताया है। तो शॉपिंग कैंपेन बना लीजिए और अपना सब डिवीजन देख लीजिए। किसी ने बोला था कि सर प्रोडक्ट टाइप यूज़ नहीं होता, आप शायद गलत बता रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक लेक्चर कर रहा था अभी ऑडिट्स वगैरह, तो मुझे लगा आपके लिए बनाना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैं आपको यही बताना चाह रहा था, और भी मैंने वीडियोज़ अपडेट करे हैं अपने चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो राहुल बेस्ट गूगल पर डालिए, वीडियोज़ में जाइए, मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेंट API ऑप्टिमाइजेशन भी शॉपिंग का डाला है, कुछ प्रॉब्लम फिक्स करने के इश्यूज भी हैं और PPC रिलेटेड सारी वीडियोस आपको एडवांस स्ट्रेटजीज जो लॉजिकल है जो काम हम करते हैं वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो प्लीज़ देखें, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो मोस्ट वेलकम, अगर आप करना चाहें आगे फर्दर अपडेट्स के लिए तो आप कर सकते हैं। फिर भी कभी कोई डाउट क्वेरी आपको बना पर्सनल तो ppcexpertclasses.com मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मेरा फ़ोन नंबर email ID मिल जाएगा, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होंगे डेफिनेटली मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।